बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 5 स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, हम एमसीक्यूज कर रहे हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज भी। मैं डिफरेंट इससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड आपको डिफरेंट एमसीक्यूज करवाए हुए। अब मैं मजीद आपको करवाना चाह रही हूँ कि हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है, अगर हमारे पास आ जाते हैं कि द फेज ऑफ स्टैटिस्टिक दैट कंसर्न बाय द डिस्क्रिप्शन आर। अच्छा, आपको मैंने पढ़ाया था बीएससी लेवल और एफएससी लेवल पे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या होती है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक क्या होते हैं और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या होते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक जो वर्ड आपके पास है वो आता है इन्फ्रेंसिस बनाने से, कि आपने डिफरेंट इन्फ्रेंसिस बनानी है, बिकॉज स्टैटिस्टिक इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग, एनालाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग डेटा एंड देन कंक्लूड द रिजल्ट। बट इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक क्या है कि जब आप इन्फ्रेंसिस बनाते हो दैट इज कॉल्ड द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या है कि अगर आप किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ एग्जांपल कि आपने मंथ में जितने भी आपने टेस्ट दिए हुए उनके जो स्कोर आपने मालूम करने के, आपके पास कितने किस टेस्ट में कितने मार्क्स आए जो मंथली आपके टेस्ट हुए, वो आप डिस्क्राइब कर रहे हो अपने मार्क्स को, तो दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। एंड हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक क्या है कि उन प्रीवियस मार्क्स पे अगर हम ये अंदाजा लगाते हैं कि नेक्स्ट इज द इन्फ्रेंसिस बना रहे हैं कि नेक्स्ट हमारे कितने मार्क्स आ सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। एग्जांपल टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब ये कह रहे हैं कि वो फेज ऑफ स्टैटिस्टिक जिसमें आप अपनी जो आपके पास वैल्यूज हैं, आपके पास जो चीजें हैं उनको डिस्क्राइब करते हो, डिस्क्रिप्शन में यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। इसी तरह हम कहते हैं स्टैटिस्टिक विच इज नॉट मेजरेबल, जो मेजरेबल नहीं होती है। वेरिएबल तो मेजरेबल होते हैं, कॉन्स्टेंट मेजरेबल, बट एट्रीब्यूट कौन से होते हैं, एट्रीब्यूट वर्ड यूज होते हैं क्वालिटेटिव डेटा के लिए, कि जो आपके पास क्वालिटेटिव डेटा, तो ये हमारे पास मेजरेबल नहीं होते, तो दैट इज कॉल्ड एन एट्रीब्यूट। अब वो कहते हैं कि इफ के इज कॉन्स्टेंट देन समेशन, अगर आई 5k है तो 5k मीन सम ऑफ द 5k के है, कि k जो है वो 5 टाइम आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द 5k, नॉट n के, नॉट 5 प्लस के, एंड ये हमारे पास ट्रू आंसर जो है 5k। इसी तरह वो कहते हैं अ क्रिकेट प्लेयर वांट्स टू एस्टिमेट द स्कोर। अभी हमने पढ़ा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में डिफरेंट, तो कहते हैं जो क्रिकेट प्लेयर है वो वांट टू एस्टिमेट ऑफ स्कोर, अगर वांट टू एस्टिमेट द स्कोर दैट इज कॉल्ड द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, क्योंकि वो इन्फ्रेंसिस बनाना चाहता है अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस पे, जो उसने प्रीवियस परफॉर्मेंस अपनी दी है उसके बेसिस पे वो नेक्स्ट परफॉर्मेंस में जो स्कोर है वो एस्टिमेट करना चाहता है, तो दैट इज द एग्जांपल्स ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। इसी तरह हम कहते हैं कि वीट यील्ड पर एकर फॉर 5 पीसेज ऑफ लैंड। अब ये यील्ड है पर एकर आपके पास और आप इसमें से 5 पीसेज जो है लैंड के बना लेते हो, उन पे आप वर्क कर रहे हो, तो दैट इज द एग्जांपल्स ऑफ द सैंपल। सैंपल है क्योंकि हमारे पास जो फुल एरिया है वो बहुत ज्यादा लार्ज है, जिसको कैलकुलेट करने के लिए वी आर सेलेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ सैंपल, जिसमें हम सिंपल सैंपल जो है सेलेक्ट करते हैं, उसमें से हम उस पर वर्क कर रहे होते हो और देन हम जो अपना डिसीजन है वो आप दे रहे होते हो। पॉपुलेशन क्या होता है कि ओवरऑल होल जो आपके पास यूनिटी आपके पास आ जाती है, होल जो आपके पास एरिया आ जाता है, दैट इज इंक्लूड इन द पॉपुलेशन। वेरिएबल आपको पता है जिसकी वैल्यू वेरिएबल, और कांस्टेंट आपके पास क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यूज होती है। तो ये आपके पास एमसीक्यूज थे जो कि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। स्टूडेंट में आपको ऑलरेडी स्टैटिस्टिक और इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड डिफरेंट एमसीक्यूज हैं वो आपको करवा भी चुकी हूँ, मजीद मैं आपको और भी करवाती हूँ। मेरी हर वीडियो में आपके पास 10 to 15 जो है वो एमसीक्यूज हैं और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी टेस्ट से रिलेटेड तैयारी करना चाह रहे हो, इसमें आपके बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं और आपको इजिली ये जो मटीरियल है ये भी अवेलेबल हो जाएगा तमाम वीडियोज में। स्टूडेंट आप देख सकते हैं अब हमारे पास आ जाता है 6 एमसीक्यूज जिसमें आपके पास है कि मंथली सैलरीज ऑफ ऑल वर्कर्स इन अ कंपनी। अगर मंथली सैलरीज ऑल वर्कर्स इन द कंपनी है तो दैट इज द एग्जांपल्स ऑफ द पॉपुलेशन है, नॉट सैंपल, नॉट वेरिएबल, नॉट कांस्टेंट, ये ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ। और पॉपुलेशन क्या होता है, जब ईच एंड एवरी यूनिट को आप काउंट कर रहे हो, आपके पास एक कंपनी है, आप उसके तमाम वर्कर्स की सैलरी को मालूम करते हो, तो दैट इज द एग्जांपल्स ऑफ पॉपुलेशन। इसी तरह अ करेक्टरिस्टिक दैट वेर इज विद एन इंडिविजुअल और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ वेरिएबल आएगा। अब पॉपुलेशन आपको पता है, सैंपल आपको पता है, कॉन्स्टेंट आपको पता है,
वेरिएबल क्या होता है, जब आपकी वैल्यू जो है इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट वेरी कर रही होती है, चेंज हो रही होती है, तो वो यही कह रहे हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज विद एन इंडिविजुअल और एन ऑब्जेक्ट इज द एग्जांपल ऑफ द वेरिएबल. वेरिएबल्स जो है वो क्लासिफाइड कितनी टाइप्स में हो जाते हैं, 2, 3, 1 या 4. तो वेरिएबल हमेशा 2 टाइप्स में. अब वो कौन कौन से वेरिएबल है, आप वेरिएबल लिखते हो तो वेरिएबल को आप डिवाइड कर देते हो 2 टाइप्स में, एक क्वांटिटेटिव होते हैं एक क्वालिटेटिव होते हैं. क्वांटिटेटिव वो होते हैं जो क्वांटिटी जिनकी हम मेजर कर सकते हैं, और क्वालिटेटिव कौन से होते हैं जिनकी हम क्वालिटी मेजर कर सकते हैं, जैसे कि कलर ऑफ हेयर जो है, कलर ऑफ द आई है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द क्वालिटेटिव वेरिएबल. और क्वांटिटेटिव क्या होते हैं, जो कि मेजरेबल होते हैं बट क्वालिटेटिव इज नॉट मेजरेबल. क्वांटिटेटिव जिस तरह आप हाइट मालूम कर रहे हो, वेट मालूम कर रहे हो, इसको आप मेजर कर सकते हो, लेकिन जिसको आप मेजर नहीं कर सकते तो वो आपके पास क्वालिटी होता है, क्वालिटेटिव वेरिएबल होता है, एट्रीब्यूट होता है. वेरिएबल्स जो है वो डिवाइड हो जाते हैं 2 टाइप्स में, एक क्वांटिटेटिव होता है एक क्वालिटेटिव होता है. इसी तरह द क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्वालिटेटिव कैटेगरीज इज कॉल्ड ऑर्डिनल स्केल है, इंटरवल स्केल है, ये नॉमिनल स्केल है. तो स्टूडेंट इस तरह आ जाएगा नॉमिनल स्केल, वो कैसे आएगा, कहते हैं द क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्वालिटेटिव कैटेगरीज. अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, इन विच नथिंग वी हैव कॉमन, और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, इन विच वी हैव द समथिंग कॉमन. ठीक है, अब यहां म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर हम क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग कर रहे हैं और उनको नाम दे रहे हैं क्वालिटेटिव कैटेगरीज और उनको नेम दे रहे हैं, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ नॉमिनल स्केल. ऑर्डिनल स्केल क्या होता है कि उसमें ऑर्डर दे दिए जाते हैं, रैंक दे दिए जाते हैं. इंटरवल स्केल क्या होता है कि आपके पास इंटरवल गिवन हो जाते हैं, तो ये आपके पास डिफरेंस है बिटवीन देम. तो यहां आपके पास नॉमिनल स्केल आएगा. अच्छा, अब जो नॉमिनल स्केल स्टूडेंट आएगा ना, जिस तरह आप नॉमिनल स्केल में इसमें स्पेशली आप क्वालिटेटिव कैटेगरीज के नेम दे रहे होते हैं, जैसे आपके पास जेंडर आ गया मेल और फीमेल के, इसी तरह आई कलर है, रिलीजियन है, दैट इज द एग्जांपल्स ऑफ द नॉमिनल स्केल. देन हमारे पास आ जाता है कि डेटा हैव नॉट अंडरगोन एनी सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी डेटा. और जो किसी न किसी ट्रीटमेंट से गुजर चुका होता है, तो दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी डेटा. ये डिफरेंस है बिटवीन द प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा में. प्राइमरी डेटा आपके पास क्या है, जो किसी भी हम कहते हैं प्राइमरी डेटा हैव नॉट अंडरगॉन एनी सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी डेटा. और सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं, जो कम अज कम एक बड़ी स्टेटिस्टिकल ट्रीटमेंट या स्टेटिस्टिकल ट्रीट्स टेक्निक्स में से गुजर चुका हो, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी डेटा. और रॉ डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड द रॉ डेटा. कि हम जो ओरिजिनली सेलेक्ट कर रहे होते हैं, ओरिजिनल जो आप कलेक्ट कर रहे होते हो अपने डेटा को, दैट इज कॉल्ड द रॉ डेटा. तो ये एमसीक्यूज हैं, इनसे प्रीवियस वीडियोस में भी मैं आपको काफी ज्यादा करवा चुकी हूँ. अभी सिर्फ और सिर्फ हम चैप्टर जो स्टैटिस्टिक और इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक है उसी से रिलेटेड स्टूडेंट मैं आपको करवा रही हूँ. इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको ईच एंड एवरी चैप्टर के एमसीक्यूज बना के दूंगी, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है इंफॉर्मेशन मिल सके. अपनी दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.